हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज सैटरडे है, हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि लास्ट वीक हम लोग वृंदावन गए थे, बट इस बार नंदगांव जाया जाए। तो डेस्टिनेशन फाइनल होते ही हम निकल गए गुड़गांव से नंदगांव की ओर, जहाँ भगवान कृष्ण का वह घर है जहाँ उन्होंने बचपन के 10 साल बिताए थे। तो हम पहले पहुँचते हैं बरसाना गाँव, जहाँ से नंदगांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुबह घर से निकले और रास्ते में बात करते, हंसी मजाक करते और दोपहर तक नंदगांव पहुंच गए। रास्ते में हमने लंच किया क्योंकि हम नाश्ता करके चले थे, तो तब तक भूख लग गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नंदगांव में ही है श्री कृष्ण के पालक पिता बाबा नंद का महल, जिसे नंद भवन भी कहा जाता है। महल तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। एक रास्ता पूरा सीढ़ीदार है क्योंकि नंदगांव से ऊंचाई पर नंदेश्वर पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से पूरा नंदगांव दिखाई देता है। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण पेंटिंग द्वारा किया गया है। तो गाइस, यहाँ के लोकल लोगों से जब हमने बात करी तो हमें पता चला कि यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, होली और राधाअष्टमी पर बहुत ही भीड़ होती है। तो अगर आप इसके अलावा कभी भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ही खुले दर्शन हो सकते हैं, अगर आप नंदगांव का प्लान कर रहे हो तो। अब हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करने पर करके चलते हैं आगे नंदगांव की तरफ, जो बाबा नंद का महल है एग्जैक्टली वहाँ उस पॉइंट पर। तो पार्किंग से अराउंड जस्ट 1 मिनट का रास्ता है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हो और दूसरा बाजार के रास्ते में से भी जा सकते हो। ये हमारे वृंदावन के पार्टनर, देख लो। राधे 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 बोलो गोपी बहू। जो दीप दान करता है उसका 7 पीढ़ी तर जाता है। 100 रुपए यहाँ गौ माता के चारे का सेवा है, 100 रुपए सिंगार सेवा का दान है। एक धर्मात्मा दान करता है उसको देखकर 4 प्राणी और दान करता है। इसका दूसरा नाम क्या है? गोलोक भूमि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 9 लाख गायों को चराया था पूरे ब्रजमंडल। बोल देखा है? ऐसा कुल कभी आज तक देखा था और ना देखोगे। अब दर्शन सुन लो, जो कृष्णा में दिखाते हैं सिर्फ देखो। जब टावर के बीच में से रास्ता जाता है लंबा वाला, ये मथुरा जाने का प्राचीन रास्ता है, अक्रूरगमन रास्ता, जो अक्रूर जी कृष्ण राम को लेकर रथ में बैठाकर कंस को मारने मथुरा ये रास्ते से गए थे और मथुरा जाके यहीं से कंस को मारा। आज भी ये रास्ता मथुरा की जाता है, आप अपनी गाड़ी से कभी भी मथुरा जा सकते हैं। बोलो अक्रूर धाम की जय। सामने देखो वो जंगल में चोटी वाला मंदिर दिखता है, छोटा बड़ा पीले रंग का दिख रहा है, ये भगवान का शिव जी का दर्शन। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था सिर्फ भगवान दर्शन करने के आए तो मैया दर्शन नहीं कराया। तो मेरा छोटा कन्हैया गोपाल है तो रूप को देख के डर जाएगा, तो वही शंकर भगवान जंगल में आस लाके उनका नाम है आशीष शर्मा। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर देखो ये नीचे में पेड़ों वाला जो वन दिख रहा है, बड़े बड़े वृक्ष वाला एकदम गाँव के नजदीक में पहला वाला, ये भगवान का मोर बना है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर बन के नाचे। सभी का राज देखा विलास देखा लेकिन मोर का नाचे भगवान कृष्ण मोर बन के राधा जी की आवाज आए। सब लोग मुझसे बोलो एक बार राधे 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 राधे। बोलो मोरकुंड धाम की जय। टावर से आगे वो व्हाइट कलर के मंदिर दिखते हैं सफेद वाले, ये कोकला बने शनिदेव का मंदिर। आज के दिन में परिक्रमा लगती है जिसपे शनिदेव की ग्रह होती है, परिक्रमा लगाने से तेज चलाने से शनिदेव की ग्रह शांति रहती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। सामने देखो ग्रीन कलर का घर दिखा तो सामने पेड़ों में जहाँ पानी भरा हुआ साइड में, ये नंद बाबा की गौशाला है। आज भी नंद बाबा की गई गौशाला 700 की। जो मनुष्य अपने जीवन में कभी गौदान नहीं किया, क्योंकि एक बार मनुष्य योनि में गौदान करना आवश्यक होता है, अंत समय शरीर छूट जाता है, कोई भी हो हमारा आपका किसी का भी हो, जो वैता नदी होती है वो गाय पूछ पकड़ के उसको पार कर देती है, नहीं तो उसकी आत्मा उस नदी के किनारे भटकती रहती है।
तभी वो आदमी गोलोक धाम बता सकता है। दयानंद बाबा की गौशाला है, गौशाला भगवान की जय। ऐसी वाली डबल बनवानी है, तो तुलसी की माला लेने के बाद हम निकले शनिदेव मंदिर जो कि कोकिला वन में स्थित है, जहाँ प्रवेश द्वार पर ही आपको न्याय के देवता शनि देव की भव्य मूर्ति के दर्शन होंगे। प्रवेश द्वार से 3 किलोमीटर अंदर जाकर शनि धाम का मुख्य मंदिर है। शनि मंदिर से 1 किलोमीटर पहले परिक्रमा मार्ग है जो लगभग 4 किलोमीटर है। मंदिर के बाहर ही आपको शनिदेव पर अर्पित करने की वस्तुएं जैसे सरसों का तेल, काले तिल, लोहे का सामान आदि मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं शनिदेव मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकले वृंदावन इस्कॉन टेम्पल। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।